अलवर के एमआईए स्थित आईटी कॉलेज में आज मेगा विधिक चेतना और लोक कल्याणकारी शिविर लगाया गया। इस दौरान तमाम सरकारी विभागों ने काउंटर लगाकर लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया। वहीं कानून की जानकारी देकर उन्हें जागरूक भी बनाया गया। सभी प्रकार की जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं का डिस्प्ले करके ऐसे लाभार्थी लोगों को चयनित करके उनको लाभ पहुंचाए और उनको विधि की जानकारी भी प्रदान करें, जिससे वो लोग आगे स्वयं कानून की जानकारी प्राप्त करके अपने जो लाभ है वो ले सके। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिला शिक्षा प्राधिकरण द्वारा सतत और निरंतर शिविर का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार व्यास के मुख्य आतिथ्य में किया गया, जबकि अध्यक्षता सनराइज यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर वी के अग्रवाल ने की। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दिनेश जलथुरिया, एडीएम द्वितीय बीएल रमन, डीएसपी एसएम नागोरा और प्रधान आभा जैन विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। माँ सरस्वती की वंदना के साथ ही शिविर का आगाज हुआ। इस दौरान लोक अदालतों और निःशुल्क विधिक सहायता आदि की जानकारियां दी गई। इसके अलावा दिव्यांगों को ट्राई साइकिल दी गई। इस मौके पर आर्य बालिका स्कूल की छात्राओं ने कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम का संदेश दिया। इस मौके पर पैरालीगल वॉलेंटियर्स का सम्मेलन भी आयोजित किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर और प्रशासन जिला प्रशासन अलवर के संयुक्त तत्वाधान के अंदर आज मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया। इस मेगा विधिक लोक कल्याणकारी शिविर के मुख्य अतिथि श्रीमान अशोक कुमार जी व्यास जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रहे। इस कार्यक्रम के अंदर विशिष्ट अतिथिगण के रूप में एडीएम सेकेंड श्री बीएल रमन और अन्य कई न्यायिक अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, जिले भर के पीएलवीज और बेनिफिशरीज लोग शामिल हुए। इस लोक कल्याण केंद्र के माध्यम से जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो स्कीमें थी उनका डिस्प्ले कियोस्क बनाकर किया गया और बेनिफिशरीज लोगों को मौके पर ही लाभ प्रदान किया गया।